हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और आज है दिन थर्सडे का। तो ये देख रहे हैं कपड़े का ढेर, ये मैं जा रही हूँ मशीन में डालने के लिए। बहुत सारे कपड़े हैं तो सोचा मशीन में डाल दूँ, तो मैं दिखाने जा रही हूँ कि मशीन में कैसे कपड़े को डालते हैं, जिनको नहीं आता है या नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले मिल लीजिए मेरी वॉशिंग मशीन से। तो ये रही मेरी वॉशिंग मशीन, ये ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक और फ्रंट लोड वाली है। तो अब मैं आ गई रूम में कपड़ा छाटने के लिए। उसमें 14 कपड़े अटते हैं, तो मैं कपड़े को गिन ले रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13। तो सबसे पहले, चूँकि फ्रंट लोड वाली मशीन है तो इसका ओपनिंग यहाँ से है, तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेती हूँ यहाँ से। ये देखिए, खोल लिया लॉक इसका। अब ये अंदर का कुछ ऐसा है, इसमें देखिए, ये देखिए मूव करता है, ये अंदर का कुछ ऐसा है। तो मैंने इसको खोल लिया है, तो मैं इन लोगों को ले जा रही हूँ मशीन में डालने के लिए। ये सारा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये मैंने सारे कपड़े को अंदर डाल दिया और इसको ये यहाँ से अभी लॉक नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे जो नॉब बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सारा इंस्ट्रक्शन। अभी देखिए मशीन ऑफ थी, यहाँ पे सिंथेटिक है, यहाँ पर कॉटन कपड़े के लिए है, यहाँ पे है प्री वॉश, नॉर्मल वॉश, इसके बाद सोक है, लाइट वॉश, क्विक वॉश, रिंस प्लस स्पिन, और ये एडिटिव रिंस, और ये लॉन्ग स्पिन एंड ड्राई। लास्ट में यहाँ पे ना ये कपड़े को सुखा भी देती है ये। और ये आप चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्री वॉश से भी, यानी कपड़े खंगालने के बाद ये वॉश करेगी। और मैं कभी कभी लगाती हूँ तो यहाँ से लगाती हूँ, क्विक वॉश से लगाती हूँ, ताकि यहाँ से ये जल्दी से मेरा कपड़ा धुल जाए। और अगर आपका कपड़ा सिंथेटिक है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ भी है प्री वॉश, नॉर्मल वॉश, सोक, और यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, डेलिकेट्स, रिंस एंड स्पिन, और ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट स्पिन एंड ड्राई, यहाँ पे कपड़ा सूख जाता है। तो ये अभी इसमें भी अगर आप लगाती हैं तो आप चाहे तो यहाँ पे नॉर्मल वॉश पे भी लगा सकती हैं, या फिर यहाँ से डेलिकेट से भी लगा सकती हैं, जल्दी से धुल जाएगा 2 मिनट में। तो मैं तो फिलहाल कॉटन यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से लगाऊँगी, मैं लगाऊँगी लाइट वॉश से। तो मैंने अभी जो धोया था, तो ये मेरा एक बार मैं धो चुकी हूँ, तो यहाँ पर आके ये एंड हो गया था, ये एरो बना हुआ है। तो मुझे फिर से इसको यहाँ पे लेके आना है। तो ये देखिए, मुझे ये इसको घुमाते घुमाते कॉटन पे ले आना है। कॉटन में ही मुझे प्री वॉश नहीं करना है, मुझे यहाँ से डायरेक्ट नॉर्मल वॉश पे मुझे कर देना है। नॉर्मल वॉश में मैं चाहे क्विक वॉश में कर लूँ, क्विक वॉश मैंने यहाँ पर ले आया है नॉब को। तो जस्ट इसी के बगल में देखिए, सारा पैनल एक ही ऊपर के साइड में दिया हुआ है, और जस्ट इसी के पास यहाँ पर है टेम्परेचर का पैनल, जिसमें है कोल्ड। यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ 30-40, तो मैं इसको 40 से 50 के बीच में मैंने कर दिया है इसको। और यहाँ 90 तक इसका टेम्परेचर है, मैंने 40-50 के बीच में किया, 40 में ही किया है। और देखिए यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, तभी मुझे, मैं ऑन नहीं कर रही हूँ, मैं अभी इसमें पाउडर डालना है। और अब देखिए इसी के साइड में, देखिए तीनों पैनल एक साइड में है, तो इसमें यहाँ पे ये देखिए, ये पाउडर डालने के लिए है। यहाँ पे चाहे तो नील भी डाल सकते हैं, या फिर लिक्विड वाला पाउडर डाल सकते हैं, नील डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पाउडर डालूँगी। तो इसमें डालने के लिए नॉर्मल पाउडर नहीं चाहिए, इसमें डालने के लिए डालना होता है, देखिए फ्रंट लोड मशीन है तो फ्रंट लोड का ही पाउडर आता है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ एरियल मैटिक पाउडर, ये 1 kg का है। और ये जो है वन वॉश में क्या लिखा है, रिमूव्स वन वॉश टफ स्टेन, तो ये दाग को छुड़ा देता है। तो ये वाला मैंने मंगवाया है, ये LG मशीन के लिए फिट है। और देखिए इसमें कैसे यूज़ करना है, सब लिखा हुआ है इसके अंदर में। ये देखिए एरियल वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड है ये। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने भी यही मंगवाया है। इसका प्राइस कितना है रुपये में देख के बताती हूँ, इसका MRP है 250 रुपया। ये 1 kg का पैकेट है, ये इसके अंदर से ऐसा निकला है डब्बा, मैंने अच्छे तरीके से नहीं फाड़ा, फट गया, तो इस तरह से फट गया ये।
तो ये देखिए ये पाउडर है, और इसके साथ ना मेज़रमेंट के लिए चम्मच भी देते हैं। ये पाउडर ना मुझसे पानी गिर गया तो थोड़ा गीला हो गया है। और यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, फ्रंट लोड इंस्ट्रक्शंस। इसमें बताया जा रहा है कि अगर कपड़ा आपका नॉर्मल गंदा है तो एक चम्मच आपको लेना है पाउडर, और अगर कपड़ा ज़्यादा गंदा है तो आप डेढ़ चम्मच इसका, अगर हेवी और ज़्यादा वेरी डर्टी है तो डेढ़ चम्मच यूज़ करते हैं। ये देखिए फ्रंट लोड मशीन का है ये, और हमारी भी मशीन जो है वो फ्रंट लोड की ही है। तो अब इसमें मैंने एक चम्मच, क्योंकि मेरा कपड़ा साफ़ ही है, एक चम्मच लिया है और इस वाले में मैं डाल दे रही हूँ। तो ये पाउडर मैंने डाल दिया और अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। बंद हो गया ये। और देखिए इस मशीन को ना मैंने स्टैंड पर रखा हुआ है, ये स्टैंड यहाँ से फिक्स है। ये ऐसा नहीं होगा तो ये मशीन ना जब क्या कहते हैं इसको, जब रिंस करती है ना तो ज़ोर ज़ोर से हिलती है और हिल करके आगे बढ़ने लगती है। तो ये स्टैंड साथ में ही मिला है। तो देखिए यहाँ से ये फिक्स है, इसे ज़मीन में चिपकी हुई है तो आगे नहीं बढ़ती है। और यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से ये आपका कपड़ा ही वहाँ से दिख रहा है धुलता हुआ। और यहाँ पे पावर इंडिकेटर है, जब मैं उसको ऑन करूँगी तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी। अभी ऑफ़ है तो लाइट नहीं जल रही है। और इस मशीन पे 4 ईयर्स की वारंटी भी थी और 10 ईयर्स का स्पेयर पार्ट सपोर्ट है इसका। तो क्योंकि यहाँ पे इसका मैग्नेटिक डोर है, यहाँ पे लगा हुआ है इसका, यहाँ से पकड़ लेता है। ये अब लोड हो चुका है, इसके बाहर में रबड़ का लगा हुआ, इससे पानी जो है बाहर नहीं निकलता है। ये रबड़ का लगा हुआ गास्केट, पूरा इस रबड़ का गास्केट है, इससे क्या है ना पानी बाहर नहीं आता। और ये जो मशीन है ये एलेना VX मॉडल है, ये 6 kg की है, 14 कपड़े धुलते हैं। तो ये सब तो हो गई इसके बारे में बातें, अब मैं इसको करती हूँ बंद। ये थोड़ा सा झटका देके बंद करना पड़ेगा, ये मैंने झटका देके इसको कर दिया है बंद। अब यहाँ पे इसका स्विच है, ये मैं स्विच कर देती हूँ ऑन। स्विच ऑन करते ही यहाँ से इसका इंडिकेटर शो कर रहा है कि लाइट जल गई है। अब मैं इसको, तो फाइनली मैंने इसमें इसको लोड कर दिया है और ये स्टार्ट हो गई है। इसमें हल्की हल्की आवाज़ आने लगी है घनघनाने की, इससे पता चल रहा है कि ये स्टार्ट हो चुकी है। और स्टार्ट होने के बाद ये क्या करते हैं, यहाँ से जो है बॉर्डर खींच लेगी और इसके बाद ये घूम घूम के धोना स्टार्ट कर देगी। और अपनी जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करेगी, जैसे इसमें से लाइट वॉश करेगी पहले, फिर स्पिन होगा तो गोल गोल घूमना शुरू करेगी और फिर इसको निचोड़ देगी, और बाद में एक लॉन्ग स्पिन और ड्राई होगी जिसमें कपड़े को गोल गोल घुमा करके ये सुखा देगी पूरा। और आधे एक घंटे में आपका कपड़ा धुल के हो जाएगा तैयार। बस ये पानी से रहता है नहीं, बस हल्का सा इसको डाल देना है हवा में और कपड़ा सूख जाएगा। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।